अफगानिस्तानी सैनिकों और तालिबान के आतंकियों के बीच चल रहे संघर्ष पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के रुखसत होते ही अफगानिस्तान का बुरा हाल है। हर तरफ गोलियों का शोर, लूट मार, कब्जा जारी है। जगह जगह अफगान आर्मी तालिबानी आतंकियों के सामने मोर्चा संभाले हुए है। तालिबान का दावा है कि उसने अब तक अफगानिस्तान के 85% से ज्यादा हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया है और वो लगातार कॉम्बिंग करते हुए काबुल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में सूत्रों के हवाले से खबर है, अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जनरल वली मोहम्मद अहमद जई भारत आ रहे हैं। उनका यह दौरा 27 से 29 जुलाई तक का बताया जा रहा है। उनका आना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा है और भारत से उनकी उम्मीदों को जाहिर कर रहा है। इसे इस बात से भी बल मिलता है कि अफगान आर्मी चीफ भारत आकर उच्च सुरक्षा अधिकारियों के साथ सेना प्रमुख एमएम नरवणे से भी मिलेंगे। साथ ही संभावना ये भी है कि वो एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे। अफगानिस्तान की सेना लगातार अपने दम पर तालिबानी आतंकियों को करारा जवाब दे रही है। ऐसे में हर जगह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि अफगानिस्तान की सेना दूसरे मित्र देशों से सैन्य मदद की आस लगाई हुई है। वहीं तालिबान की बात करें तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान की तालिबान से लगातार बातचीत जारी है, जो भारत के नजरिए से सही रही। लेकिन तालिबान भारत से रिश्ते भी खराब नहीं चाहता, जो उसके हालिया बयानों में भी दिखता है। बहरहाल इस पूरी कवायद में किस तरह की मदद कर पाएगा भारत अफगानिस्तान की, और साथ ही उस सूरत में तालिबान के साथ भारत का क्या रुख होगा। वहीं अफगानिस्तान में काबुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर कांधार ही है, जहां की आबादी करीब 62 लाख है। इस वक्त इस शहर को चारों ओर से तालिबान ने घेर रखा है। आसपास के दर्जनों पुलिस पोस्ट, चेक पॉइंट पर तालिबान का कब्जा बताया जाता है। लेकिन अब अफगान आर्मी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने इस ऐतिहासिक शहर को बचाने की। हाल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत से सैन्य मदद की बात को नकार दिया था, लेकिन अब देखना होगा कि अफगान सेना के प्रमुख के दौरे से क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। अभिषेक भल्ला, भारत तक।